बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है, कैसे हम मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान करेंगे, जबकि आज दूसरा तीसरा दिन होने जा रहा है कि पंजाब की मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक हैं। वजीराबाद में जो सानिया हुआ, एक नाखुशगवार वाक्य हुआ, फॉर्मर वजीर आजम की रैली पर हमला हुआ जिसकी एफ आई आर भी 3 दिन बाद कट रही है, तो ये वजूहत क्या है? क्या इस तमाम जो डिले किया गया इसमें तमाम क्या शवाहिद न मिटा दिए गए होंगे? आज फिर वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सूबों को ये जो तमाम सड़कें ब्लॉक हो रही हैं इसको खुलवाएं, मुट्ठी भर लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप इनको खाली करें वरना सूबों को आईनी नतायज भुगतने पड़ेंगे। आइन कितनी रिलीफ देता है विफाक को, और विफाक अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पर आएगा तो क्या गवर्नर रूल की तरफ पंजाब और केपीके जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब भी खैरियत दरख्वास्त करने गए, इमरान खान साहब की मिलने गए उनसे। हालांकि वो कह रहे थे कि ये मेरी कोई सियासी मुलाकात नहीं है, मैं उनकी अयादत करने के लिए आया हूँ। उसके बाद हमने देखा कि कराची में मुख्तलिफ सड़कों की तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है, कारपेटिंग हो रही है, फ्लाई ओवर्स बनना शुरू हो गया, फिर ई बस का भी इनेकाद हो गया। शहर कायद में देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिर में ही क्यों, जब इलेक्शन में 10 माह रह गए अब तरक्याती काम नजर आने लग गए हैं, कुछ चलें अप्रिशिएट फिर आवाम करेगी। आप करें तो सही, ख्वाह आप वोट के लिए करें लेकिन काम होना चाहिए। तमाम उम्र बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सलीम सचवानी साहब ने। सचवानी साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अशफाक मेमन साहब। मेमन साहब आपका भी शुक्रिया। सैनिटर ज्ञानचंद भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट वक्कार समूह में ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करेंगे सलीम सचवानी साहब, क्यों सड़कें अभी तक ब्लॉक हैं? आप खाली कर देना सड़कें सर, सड़कों से तो हुकूमतें नहीं जाएंगी ना सर। पार्टी ने जो डायरेक्शन दी थी एफआईआर की, उस हिसाब से एफआईआर नहीं काटी गई तो पंजाब हुकूमत आपकी आप कटवाते हैं। आज राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप तो अपनी मर्जी के एफआईआर नहीं कटवा सकते। पंजाब हुकूमत हमारी होने के बावजूद भी पुलिस वाले जो है एफआईआर काटने के लिए तैयार नहीं है। वो रिजाइन करने के लिए तैयार है, ट्रांसफर लेने के लिए तैयार है, मगर एफआईआर काटने के लिए तैयार नहीं है। सोचने की बात ये कि क्या हम पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज है या कोई भी ताकतवर शख्स? आईजी पंजाब ने कहा कि मुझे तो हुकूमत ने मना किया, फिर चीफ जस्टिस को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस के तहत आप पुलिस के इख्तियारात इस्तेमाल करें। क्यों पंजाब हुकूमत मना कर रही है जबकि आपकी है, चेयरमैन भी आपका है? सब पंजाब हुकूमत जो एफआईआर काटने के लिए कह रही है उससे पुलिस खुद इनकार कर रही है कि ये हम एफआईआर नहीं काटेंगे, हमें ट्रांसफर दे दें, हमें निकाल दें नौकरी से, मगर ये एफआईआर हम नहीं काटेंगे, इसमें से फला नाम हटा दें। यानी आप देखें ये वही बात आ जाती है, ये वही बात आ जाती है कि जनरल जियाउल हक का कातिल सामने हो, मोहतरमा बेनजीर का कातिल ढूंढने से आराम से मिल जाता, जनरल आसिफ नवाज का कातिल ढूंढने से आसानी से मिल जाता, इसके अलावा दीगर लोगों के कातिल और अशरफ शरीफ के कातिल ढूंढने से आराम से मिल सकते हैं मगर नहीं ढूंढे जाते। किस मसलियत के तहत नहीं ढूंढे जाते, क्यों नहीं ढूंढे जाते? और फिर वो तहकीकात के लिए अगर सही डायरेक्शन लेने की कोशिश की जाती तो वो भी नहीं दी जाती। तो इस तरीके से तो काम नहीं होता। पाकिस्तान भी कानून से बालतर नहीं होना चाहिए, आर्मी चीफ भी कानून से बालतर नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी कानून से बालतर नहीं होने चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये किस तरफ इशारा किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल टारगेटेड है? किसने उनको सहूलत दी थी यहां से भेजने में? केपी की हुकूमत ने दी थी। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब एक आजाद कमीशन 16 एफआईआर काटी थी। किसने काटी थी इस मुल्क के अंदर इनके ऊपर 16 एफआईआर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर? वो जिम्मेदार है इसके। किसने इनको दुबई से निकालने का बंदोबस्त किया था? वो जिम्मेदार है इसके। ठीक है, वो उनको पूछताछ होनी चाहिए, इनको सामने तफ्तीश करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की थी और मजबूर उनको कीनिया जाना पड़ा। ठीक है, चले अशफाक मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप हुकूमत के इतादी भी हैं, मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, ख्वाह आप सिंध में तो आपका तीसरा अद्वार है, लेकिन पहले कुछ वफाक पे हम इनसे बात कर लेते हैं। सर क्यों एक इमरान खान साहब को आप पाकिस्तान की सियासत से दूर करना चाह रहे हैं? माइनस इमरान पर बहुत अरसे से काम हो रहा था, उनकी कैरेक्टर असिसिनेशन की गई, फिर इस्लामिक टच आप लोगों ने भी दिया, तो ऐसा क्यों सर?
आप तो जमहूरियत के अमीन खुद को कहलवाते हैं, आप तो कहते हैं सियासत करनी चाहिए और सियासत सबका हक है, तो आप खान साहब की सियासत क्यों छीन रहे हैं, क्यों उन पर आए दिन मुकदमे कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप चल रही है सर? सबसे पहले तो साजिद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। जैसे जहाँ तक आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो रहे और जब उन पर यह हमला हुआ तो हमारे को चेयरमैन, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी की आला क्यादत ने उसके पर फौरी जो है उन्होंने इस पर बड़ा वो किया, गुस्से का भी इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी ये गलत हुआ है और ये बिल्कुल 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 टूट जाना चाहिए। हमदर्दी हमदर्दी थी तो एक मतलब देखे ना, अपना फौरन ट्वीट किया, आप सोशल मीडिया के दौर का मकसद किया है, तो इसके अलावा तमाम तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी चले, देखिए बिल्कुल अवामी नुमाइंदे हम, बिल्कुल देखिए नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक चीज हुई तो उसको फौरी मतलब हमने उसका वो ये किया ना, ऐसा नहीं कि हम खामोश होकर बैठ गए। देखिए जहां तक खान साहब की एफआईआर का मामला है तो ये तो एक मेरे ख्याल से मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो मतलब जो पंजाब में किसकी है, खान साहब की सिक्योरिटी किसकी थी, सारी अपने इसकी पंजाब गवर्नमेंट की थी, तो काट देना वजीर आला पंजाब परवेज़ अली एफआईआर क्यों नहीं काट रहा, काट दे एफआईआर, क्या इशू है, जब चीफ जस्टिस ने भी कल कह दिया, आईजी भी उनका लगाया हुआ है, फिर क्या मसला है? अब ये आने बहाने शाने की जी इसका नाम उसका नाम, बात यह कि एफआईआर कुछ है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन बात अफसोस इस बात का है कि देखें हमने भी लॉन्ग मार्च किया था, हम भी कराची से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे और हम आपने पूरे सफर में आपने देखा आसफा बीबी के ऊपर एक अपना अपना समा टीवी का वो जो अपना क्या कहते हैं ड्रोन था वो लगा था, बाकी इसके अलावा वो भी एक बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन ये एक गमला भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा, मेरी बात एक गमला भी नहीं टूटा, हर हर शहर में चार घंटे हम रुके और हम चले गए इस्लामाबाद पहुंचे। बात यह है कि अब जब वफाकी गवर्नमेंट सूबे के पास इख्तियार है एफआईआर काटने, क्यों नहीं काट रहे, फिर आप वफाकी गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं, भाई आप क्यों डाल रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट के, सूबा आपका है, उसकी तमाम जो है इधर रिपोर्ट है आपके पास है, सीएम के पास पल पल की रिपोर्ट होती है कि सूबे में क्या हो रहा है, आईजी उनका है, ये खाम यार, आप आईजी से अपने जो ना अपने बंदे तो आप एडजस्ट करवा लेते हैं, एसएसपी तो आप लगवा लेंगे, डीआईजी आप लगवा लेंगे, आपके सिंध में आईजी की तैनाती पे बात करते थे तो आप कहते थे कि नहीं सर, देखिए सूबा खुद मुख्तियार है, 18वीं तरमीम जो है ना उसने अपना एनएफसी वार्ड और 18वीं तरमीम को फुल इख्तियार दे दिया है, ये अच्छा ये सब तीन नाम इन्होंने वफाक को भेजने होते हैं कि इन तीन नाम में से कोई ये कर दे, और तीनों नाम यही डिसाइड करते हैं, सुबह डिसाइड करता है और वफा के पास वो तीन नाम भेजता है और उसके बाद कोई एक आध नाम फाइनल हो जाता है, ये तो बात कोई कहीं की भी नहीं है, हम बिल्कुल हम जमहूरियत के हम आइन के अमीन हैं, हमने इसके लिए हमने बाकायदा हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारे शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो की ठेकेदार ना बने ना सर, शहीद रानी डिक्टेटरशिप चल रही है, शहीद रानी मुतरम बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी 2008 की हमारी गवर्नमेंट, हमने जिस तरह हमने सर्वाइवर किया, हमारे हमारे दौर में आपने हालात नहीं देखे थे क्या थे, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे, अच्छा क्यों पहला ब्लास्ट, आप सबसे पहली सर मैं बता, देखिए मेरी बात माजी की आपकी इतिहादी आज भी इतिहादी, सर देखिए मेरी बात अब ये चूरन पुराना हो गया, मेहमान साहब चूरन पुराना, आम आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं सर, नहीं दो पूरे चूरन पुराना नहीं हुआ, 2007 में हमारी क्या कहते हैं जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त उनकी अदलिया की जो तहरीक 2007 में पहला ब्लास्ट जो हुआ था वो पीपल्स पार्टी कैंप में इस्लामाबाद में हुआ था, पहली में शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, अब सलीम भाई भी उसकी वो करेंगे, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ 2022 हो गया लेकिन आज भी एमक्यूएम आपके साथ है, अब आप उनको मिनिस्ट्रियां भी देने जा रहे हैं, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं जो कि उनका हक है, ठीक है, तो फिर आपने उनको दहशतगर्द क्यों बोला था, आप क्यों कहते थे कि कराची में ये लोग हजारों लोग मारते हैं, आज वो आपके यार हैं, आज वो आपके दोस्त हैं, आज वो आपके इत्तेहादी हैं, ये तो उनसे अलग हो चुके ना, ये तो अलग होके बैठ गए ना, ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गए, आज ही हो गए, तो ये हो गए होंगे, अच्छा हो गए होंगे जब भी आपने बिठा दिया, आज ही है सारे, देखिए बात ये है कि अगर इमरान खान वजीर आजम की शिप से भी गया तो चले, मैं आता हूँ, मैं सेनेटर ज्ञानचंद में ज्वाइन किया है, ज्ञानचंद साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, थैंक यू भाई, ज्ञानचंद साहब बताइएगा विफाक में आपकी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत ही सही, लेकिन चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब का जादू हमेशा पाकिस्तान की सियासत में चला है, तो ये जादू साबिक वजीर आजम इमरान खान पर क्यों नहीं चल रहा कि वो आप लोगों से बात करने को तैयार ही नहीं है? देखिए आसिफ अली जरदारी ने हमेशा अच्छे लोगों को के साथ बात की है और वो एक
टैंक्स रखने वाले बंदे होते हैं, किसी नॉन टेंस पे क्या जादू चलेगा। आप ये कहना चाहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बहुत अच्छे लोग हैं ज्ञान चंद साहब, जिन्होंने मोहतरमा की गंदी तस्वीरें बटवाई थी पूरे पाकिस्तान में, ये अच्छे लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट करने में? जी सर जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बात सुनने और सुनाने को तैयार है। ठीक है, इमरान खान वो बंदा है कि वो कहता है कि मेरा अगर फायदा है तो ठीक है। जो इमरान खान के लिए कहते हैं ना वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो वो चांद मांग रहा है। अच्छा, उसको उसको और कोई चीज पसंद नहीं है। अगर उसका लाडलापन खत्म हो गया जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि भाई हम नॉन पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे, तो भी उसके वो नखरे नहीं गए, वो किसी एक बात पे टिक नहीं रहा है। अच्छा, वो किसी ऐसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानचंद साहब, इलेक्शन के और कोई मुतालबा नहीं है? उनको कंप्लीट करने दे। जी जी जी, मुतालबा की कोई लंबी फहरिस्त नहीं है। इलेक्शन का उनका मुतालबा है तो एक ही मुतालबा है, सिर्फ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा मुतालबा नहीं है। ज्ञानचंद साहब, इलेक्शन अनाउंस कर देना आप। इलेक्शन अनाउंस है अगले साल नवंबर में, इलेक्शन तो होने हैं। ठीक है, इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इस तरह से वो टाइमिंग होगी पार्लियामेंट की। ठीक है, इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो अपने, ये पहले जो आप मुतालबा इलेक्शन का कर रहे थे वो गलत था क्या? आप लोग भी मुतालबा कर रहे थे जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं, आप सिलेक्टेड हैं, तो उस वक्त आपका मुतालबा ये गैर आइनी नहीं था? देखिए, हम कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन को अनाउंस करें क्योंकि तुम नाकाम हो चुके हो, अगर नहीं करवाओगे तो आप उनको, तो हम चांस दे रहे थे ना उसको इलेक्शन करवाने को, साइन करवा देते। अभी भी अगर वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो सिर्फ नेशनल असेंबली के बाहर बैठे हुए, सिर्फ असेंबली से भी बाहर हो जाए, पंजाब से भी बाहर हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा से भी बाहर हो जाए, खुद ब खुद इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। चले, ये आगे बढ़ाते सर, ज्ञानचंद साहब इसमें भी रोशनी डालिएगा। आपकी जैसे हुकूमत आई तो बारियां लगना शुरू हो गई, शहबाज गिल से ये बारी स्टार्ट होती है और आजम सवाती का नाम आता है और कई नाम आते हैं, फिर वीडियोस का सिलसिला चलता है। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ लेकर जा रहे हैं सर आप लोग? देखें, आजम सवाती का तो किस्सा अलग है, लेकिन शहबाज का कोई सियासी बंदा भी आपको याद होगा जब ऑडियो आया करती थी मुबैना तौर पर तो आप लोग कंडेम करते थे, आज आपकी हुकूमत में भी इस तरह की ऑडियो का आना मामूल है? हम आज भी कंडेम करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी नहीं लीक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं चलता है कि ये इनकी ये पीटीआई वाले कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। आज तो दो कमीशन अनाउंस हो गई है। ठीक है कि भाई आपको अगर आर्मी से भरोसा नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से भरोसा नहीं है, आपको वजीर आजम पे भरोसा नहीं है, आपको पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है, आपको ये की जो इंडिपेंडेंट है उनकी रिपोर्टिंग से भरोसा नहीं है, आपको अपनी गवर्नमेंट जो पंजाब में बैठी हुई है उस पर भरोसा नहीं है, आपकी डिमांड है कि जुडिशियल कमीशन भी भरा दिया, कल इनकी डिमांड आएगी कि ये जुडिशियल कमीशन जो है वो ये फैसला दे, नहीं तो कल ब्लेम कर देंगे चीफ जस्टिस पे। ठीक है, एक एक रीजनेबल एटीट्यूड लेकर आए। ठीक है, पॉलिटिक्स नाम ही डायलॉग का है। ठीक है, उस डायलॉग की टेबल पे बैठ जाए, ये अभी भी कोई सेंसिबल बात करें, कोई अकुल फहम की बात करें, तो पार्लियामेंट मौजूद है। वो ज्ञान साहब लास्ट आपसे क्वेश्चन है, वो कैसे बैठे आप लोगों के साथ कि जब आप नैप कवानीन में तरामीम करेंगे, जब आप साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए राह हमवार करेंगे, तो फिर तो वो कहेंगे ना कि आप लोग एनआरओ 2 लेने आए हैं, फिर कैसे बैठेंगे वो? पंजाब के एनआरओ 2 ले चुके हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को चीफ मिनिस्टर आप लगा सकते हैं, पार्लियामेंट जो आपको वजीर आजम बनने का चांस देता है उसमें आप बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। आप सड़कें ब्लॉक करना चाहते हैं, आप रोड ब्लॉक, वो भी अपने ही गवर्नमेंट में, इमरान खान पे हमला हुआ है, ये लायक नस्बत एक फैल है, लेकिन कहाँ पे हुआ है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी तरफ जाती है? पंजाब का इंसिडेंट, अगर खुदा खासा इमरान खान पे कोई अटैक हो जाता है, पत्थर भी लग जाता है सिंध में, तो ये पीपुल्स पार्टी पूरी के खिलाफ निकल पड़ते,
आज निकले ना पंजाब हुकूमत के खिलाफ, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, मोहतरमा की गवर्नमेंट में मुर्तजा भुट्टो शहीद कर दिए गए थे, इसके लिए ये कैद नहीं होती है कि कहाँ किसकी हुकूमत है, इसके लिए ये कैद नहीं है, जिसको मारना आता वो किसी की भी हुकूमत में किसी भी मुल्क में मार सकता है, जैसे कीनिया में अरशद शरीफ को मारा गया, इसके लिए ये कैद नहीं कि पंजाब हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल। ये दो तरह के, एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जी जी, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ये स्टेट का एक ऑर्गन है, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, वो स्टेट का एक ऑर्गन है, उनके उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट कोई बजाते खुद कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ इदारे हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस भी है, पंजाब गवर्नमेंट भी है, वो स्टेट का ऑर्गन है, ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि भाई इमरान खान को पॉलिटिकली जहां से भी फेवर मिले वो बात ठीक है, जो नहीं मिले वो सब झूठे हैं, सब चोर हैं, सब चले, ठीक है। आगे आपका पॉइंट सर, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने वफाकी हुकूमत का मौके पेश किया। सलीम सचवानी साहब, मैं आता हूं मेमन साहब आपके पास, अब आप आगे लाए मल के आए, खान साहब ने कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आके धरने को ज्वाइन करूंगा, तो मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में आप जमा करके ही छोड़ेंगे? तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, तो ये क्यों डर रहे हैं पूरा पाकिस्तान अगर इस्लामाबाद में जमा हो रहा है तो इनको क्या परेशानी है, इनको क्या जरूरत है बेफजूल के अंदर कंटेनर खड़े करके? चाहिए अच्छा हो कि आप पार्लियामेंट में बैठ के ये तमाम बातें करें, जो कि प्लेटफॉर्म भी है, सड़कों पर बैठने से हुकूमतें तो नहीं जाती। इलेक्शन का मुतालबा जब इन्हें करना था तो इन्होंने पार्लियामेंट बैठ के तो नहीं किया, इन्होंने तो भाई रोडों पे ही किया ना मुतालबा, पार्लियामेंट में तो इन्होंने सिर्फ अपना वक्त गुजारा, बाकी मुतालबा जो करना था वही लॉन्ग मार्च निकाले, वही रैलियां निकाली इन्होंने, और इसी तरीके से जो है ना हम पीटीआई निकाल रही है रैलियां और लॉन्ग मार्च कर रही है, इनको चाहिए कि इलेक्शन करवा दें। मगर इनके लिए एक और इनको मैं चीज बता दूं, हर महीने में तकरीबन 4-5 लाख खान साहब के नए वोटर आ रहे हैं, अच्छा। क्योंकि हर महीने में जो 4-5 लाख 18 साल की उम्र क्रॉस कर रहे हैं और जो यंग जनरेशन है वो खान साहब के साथ है, तो इनके लिए और मसला भी पैदा होंगे, जितने देरी से करेंगे लेट करेंगे उतने खान साहब के वोटर मजीद बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करें और अपनी पगड़ी बचाएं। नहीं, डेट तो अनाउंस कर रही है हुकूमत के, आईनी मुद्दा पूरा करेंगे भाई, हम लोग हम अर्ली इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो आप मान जाएं। तो सर ये कहते हैं कि वो जो इनका पहले का मुतालबा था गलत था, हम शर्मिंदा हैं, ये बोले हम खान साहब से जो हम पहले आपकी गवर्नमेंट में ये मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन का, उसके लिए हम आपसे शर्मिंदा, माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई थी, अब आए मेहरबानी करें, अब आए पार्लियामेंट में। मेमन साहब से पूछ लेते हैं सर, आप लोग शर्मिंदा हैं कि उस वक्त आप एक जमहूरी हुकूमत को पहले घर रुखसत करने के लिए जलसे कर रहे थे, धरने कर रहे थे, क्यों? वो इमरान खान को जो है ना पाँव में अपना प्लस्टर लगा हुआ ना, पाँव पकड़ लेते हैं हम। अभी देखिए जहाँ तक बात है आइनी हुकूमत की, तो आइनी हुकूमत तो 2023 में खत्म होगी, ठीक है, नहीं नहीं, जब इमरान खान साहब की 2018 में हुकूमत आई और वो सरवाइव कर रही थी, तो आप एक जमहूरी हुकूमत के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हमने देखिए मेरी बात ये नहीं है साहिब भाई, बात आप लोगों ने पीडीएम बनाई, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बुनियाद रखी। मैं आपको बता देगा, हम पीडीएम में रहे भी, हम पीडीएम से बाहर भी हुए, और हमने अपना जब लॉन्ग मार्च किया तो हम उस पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, ठीक है जी। हमने आपको हमारा लॉन्ग मार्च जो वन पॉइंट एजेंडा था, भूल गए, जो महंगाई हुई थी, बिलावल साहब कह रहे थे खान साहब मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, बिल्कुल बिल्कुल हम गए इस्लामाबाद, हम आ नहीं रहे थे, हम गए भी होके हुकूमत गिराने गए थे ना सर, हुकूमत को महंगाई के खिलाफ गए थे हम, हमने हुकूमत गिराने गए थे सर, याद है जब हम गिराने गए थे उस वक्त इतनी घबराहट में आ गए थे हम, जब मोरे हमारा तो देखिए बात ये लोग मानते हैं कि पहले इमरान खान ने कहा जी मंगल को निकलेंगे, फिर शामिल कुरैशी साहब आ गए नहीं जी बुध को निकलेंगे, फिर आ गए जी जुमरात को निकलेंगे, पता नहीं जब शायद जुमरात में जो डेकोरेशन पीस लगा रहे हैं
मैंने लोगों का नहीं बोला, मेरी बात से देखे बात ये साजिद भाई, इनकी एक सोशल मीडिया की टीम है और वो टीम जो है ना इन्होंने एक बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये शहबाज गिल साहब भी उसी चक्रों में ही अंदर गए और इनको जो इनके हाल देखे, बात ये है कि पौने चार सालों में इन्होंने इतने कर्जे ले लिए, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की हालत बेहतर, इमरान खान साहब एक अनोखा लाडला जो चांद मांग रहा है और उसको चांद दे दो, बस चांद दे दो, इलेक्शन का नाम चांद है तो मैं मान लेता हूँ उनकी बात, कोई नहीं, इमरान खान का साहब एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए, झूठ बोल रहा है और कोई मुतालबा नहीं, अगर ये इलेक्शन का मुतालबा चांद का नाम है तो मान लेते हैं इनकी बात, इलेक्शन का मुतालबा है, एक ही मकसद है नेप के कानून में तब्दील करना, ये मकसद नहीं है, इनका मकसद ये नहीं है, एक ही मकसद है उनका बेड़ा गर्क करना, एक अपने बंदे की जिद बदतमीजी, बस ज्वाइन किया है इस वक्त वकार समू साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, वकार खुश आमदीद कहेंगे शो में, वकार मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें, सिंध में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिखने में मिल रहा है, जिस सड़क पे जाएं उसकी खुदाई जारी है, फ्लाईओवर अंडरपास तजीन व आराइश का काम न सिर्फ कराची सिंध के दीगर शहरों में भी हो रहा है, क्या ये इलेक्शन आने की तैयारी है या के फिर कोई और एजेंडा है, इसको अप्रिशिएट करेंगे आप सिंध हुकूमत को? जी हाँ, सबसे पहले तो ये मैं ये कहूंगा कि ये चीजें डेवलपमेंट में आती हैं, अगर उन पे कोई काम हो रहा होता है या इलेक्शन के दिन करीब भी आए तो ये तो सियासी जमातों के वैसे भी वो फंड जो तकसीम होते हैं वो जो रखे हुए होते हैं जो बजट के ऊपर, तो उसी पे तो काम होता है, बाकी दूसरी जाहिर सी बात है किसी भी इलेक्शन में किसी भी जमाने में आप पीछे भी देखे कितनी इलेक्शन हुई है, जब इलेक्शन करीब आती है तो यकीनन हमारे ये सियासतदान तो वो पैकेजेस तो अलग डाल ही देते हैं इन चीजों में, बाकी ये इससे तो सिर्फ नहीं है कि अभी इलेक्शन आने वाला है तो ये काम हो रहा है, काम तो वैसे भी हो रहा था, आप तो जब जब सैलाब की तबाहकारियां थी वकार समो साहब उस वक्त भी आप ग्राउंड पर थे, शहरों के शहर डूब रहे थे, सड़कें डूबी हुई थी, आप कवरेज कर रहे थे, इंटरनेशनल मुबसरीन भी आपके साथ थे, तो अब जब ये सिंध के जो स्टेक होल्डर हैं जो MNMPAs हैं ये जब वोट लेने जाएंगे तो आवाम इनको एंटरटेन करेगी, हार पहनाएगी, कौन से हार पहनाएगी वकार? मैं समझता हूँ कि जितनी उनकी रेपुटेशन है या जितना उन्होंने काम किया हुआ है उसके ऊपर उनको मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने जितना काम किया है, और दूसरी बात अभी जो आपने डेवलपमेंट का सवाल जब किया था ना, तो मैं उसकी भी आता हूँ कि यहाँ पे बारिशों ने मानसून की बारिशों ने बहुत तबाहकारी मचाई, और दूसरी जानब सिंध में सैलाबी सूरत हाल थी, यानी सिंध ठीक है, लास्ट में वकार समू साहब घोटकी में ना खुशगवार वाकया हुआ, वहां पर पुलिस के SHO और कुछ एहलकार शहीद हो गए, वहां पे ऑपरेशन की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे, क्या वाकई ये जो कच्चे के जो डाकू हैं ये इतने ताकतवर हो गए? आईजी साहब का रात मैंने वो उसका बयान लिया था कि हमें क्योंकि बॉर्डर लगता है, ये बॉर्डर एरिया होता है घोटकी, तो पंजाब पुलिस रहिंदा खान से भी पुलिस आई थी और वो भी सपोर्टिव है और उसने ये यकीन दहानी कराई है कि हमें पंजाब पुलिस और हम मिलके इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी जानब हमने उनसे ये भी सवाल किए थे कि इनको ये जो असला है कहाँ से सप्लाई होता है, उनको कौन पहुंचाता है जो पुलिस के पास नहीं है, और उनके पास है असला, उनके पास है जो वो अगर बख्तर बंद को गोली मारते हैं तो वो क्राउड, तो जो पुलिस वालों की लाशें मिली वो किन सियासी शख्सियात के असर और सुख से मिली थी, जरा वो भी क्या बता दे, आवाम को मालूम पड़ना चाहिए, क्या सियासी सियासी पुश बनाई भी कही है, क्या कोई युवा बात वो बता रहे हैं, समो साहब खुद कह रहे हैं कि दो जिधर सूबों का बॉर्डर है और ये सियासी तो फिर वहां तो पंजाब है या सिंध है, ये क्या बातें कर रहे हैं, इमरान खान तो आपके वजीर नहीं कर रहे, क्या बातें बात कुछ और हो रही है, आप बात कर रहे हैं सियासी गवर्नमेंट क्या हो गया, क्या नहीं यार, अरे भाई तो उसमें ये जो जो कंबाइन ऑपरेशन है उनके लिए ये भरपूर और अजम रखते हैं कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और ये तैयारियां बहुत हैं, ये IG साहब का रात बयान या था
और वहाँ पे पुलिस पे कटे भी कायम की गई है। रेंजर भी उसमें हिस्सा लेगी और रेंजर्स को भी तलब कर दिया गया है और ये फजाई ऑपरेशन भी चाहते हैं, ये उनका कहना है, ये कल की बात है। अभी देखते हैं कि आगे उनमें कितना हुआ है और उस पे अमल दरामद कितना होता है कि वो कितनी ऑपरेशन को तेज करते हैं और उसमें कोई अमल लाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सिंध के शहरों की मालूमात दी, आपका शुक्रिया। मेमन साहब, अब मैं आता हूँ सिंध में। आपने सुना कि दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस वाले शहीद हो गए, कि ऐसे जो तक महफूज नहीं है दहशतगर्दों से। और आपको याद होगा, साल दो साल हर आज सुनते हैं हम, ये शुरू होता है सक्खर से लेके रहीम यार तक पूरा बेल्ट है, ठीक है, जो कि ये, जब मैं आपको मौकिफ बता दूं, पुलिस ये कहती है कि जब हम इनको यहाँ से ऑपरेशन करते हैं तो ये पंजाब में दाखिल हो जाते हैं, पंजाब वाला कहते हैं जी हम वहाँ से ऑपरेशन करते हैं फिर ये सिंध में आ जाते हैं, तो फिर क्या करें सर, इनको पालें। देखें साजिद भाई, जहाँ तक अभी समो साहब ने भी यही बात की, आईजी साहब ने भी यही बात की कि पंजाब की गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट और दोनों की जो है अपना पुलिस मिलके अब जब कार्रवाई कराएगी, फिजाई कार्रवाई होगी, रेंजर्स उसमें शामिल होगी, तो इंशाल्लाह एक ऑपरेशन होगा। पहले ये चीज़ अभी नहीं हुई, राजनपुर में ये वाकयात हुए हैं ना, लोग अगवा हुए हैं, फिर वो यही वाली बात हुई, लेकिन उस वक्त भी ऑपरेशन हुआ, फिर लोग मरे भी, जब हुए तो दो तीन साल तक सुकून आ गया, फिर ये कोई नए पैदा हो गए, अब इनके पीछे भी कार्रवाई होगी। पैदा कहाँ से होते हैं, इनकी नर्सरियां कहाँ हैं सर, इनके पास वेपन कहाँ से आता है, आज तक ये इन्वेस्टिगेशन करने में आप लोग नाकाम नहीं हुए। नहीं, हम देखिए मेरी बात, जो हमारे पुलिस वाले जो सिंध के हो या पंजाब के हो या केपी के हो, बलूचिस्तान के हो, गिलगित के हो, हमारे कहीं कहीं भी कहीं पुलिस वाले कहीं दुनिया में कहीं भी कहीं शहीद हो, किसी भी उसमें हो, हमें जो है उनके हमें भी अफसोस होता है। अफसोस की बात ही कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई आज तक, वो उन्होंने ये अफगानिस्तान से तो असला कहीं नहीं आ रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, बात ये, जब ये पुलिस वाले, जब ये डाकू कहीं गुस्से होंगे तो पुलिस वाले गए हो ना उनके पीछे, तो अभी उनके ऊपर ये वाकया हुआ ना, आप जब जारी बात है, जब डाकू तो चोर है ना, चोर क्या करेगा, चोरी करेगा और अपने आप बचाने के लिए। मैं दहशतगर्द की वीडियो देख रहा था, वहां पे एसएसपी है तनवीर तुनियर साहब, वो तनवीर साहब को कह रहे हैं कि तनवीर ये क्या तुम दो चार एसएचओ और पुलिस लेके आते हो, लॉन्चर मारेंगे तुम्हारे ऊपर, तड़ियां लगा रहे हैं वो आपके अफसरान को सर, और आप देख रहे हैं। देखिए हमारे तड़ियां अगर लगाई भी है तो उन्होंने सामना किया, अभी देखिए, अब जब तक पंजाब और सिंध गवर्नमेंट के दोनों बॉर्डर पे, अगर जैसे कमू शहीद आखिरी बॉर्डर है सिंध का और फिर आपका रहीम यार खान के साथ का बाद का बॉर्डर शुरू होता है, ये दोनों बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर पे अगर दोनों गवर्नमेंट मिलकर, अगर पंजाब की और सिंध की गवर्नमेंट और दोनों आईजी अगर बैठ जाएं और हमारे अपने क्या कहते हैं रेंजर्स के एहलकार उसमें शामिल होती है, तो ये इंशाल्लाह अगर फजाई निगरानी के साथ अगर ऑपरेशन करें तो ये डाकू कहीं नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। लास्ट स्टोरी पे आता हूं मैं, डाकुओं ने जो अड्डे बना रखे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो, वो बिगैर सरपरस्ती के नहीं बनते हैं, इल्जाम ना लगे ना सर, ये वाले इल्जाम लगाते हैं, सही में कह रहा हूं सर, ये यही बातें करते हैं, पंजाब इनकी गवर्नमेंट अभी सरपरस्ती कर रहे हैं, अब ये सरपरस्ती कर रहे हैं, अभी आखिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप सलीम भाई, सिंपल सी एक बात है, ये भाई डाकू तो कहीं किसी भी और किसी का बात नहीं है, डाकू किसी का भी है, किसी का नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, डाकू किसी का होगा, चोर है, चोर है, चोर किसी का होगा, बात कर रहा हूं, न्यूट्रल करता हूं, सरपरस्तों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिवाय इन असला की फैक्ट्रियां जो बार बार खड़ी हो जाती है, असला निकल के मार्केट में आ रहा था, डकैतियां कर रहा था, कार्रवाई होनी चाहिए, मारे गए शहर के अंदर में और आज भी उनके सरपंच जिंदा है, जो कितने होंगे क्वांटिटी में, हमारे पार्टी के इतने वर्कर शहीद हुए, हमारे पार्टी के इतने वर्कर शहीद हुए, हमारे 18 अक्टूबर में हमारे लोग, हमारे ब्लास्ट में शहीद हुए, पाकिस्तान में हमारे ब्लास्ट हुआ, जो तहफात थे आप लोगों ने उनके साथ रिटर्न वायदे किए थे, सीएम सिंह साहब भी उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि ठीक है जी हम आपको आपका स्टेक देंगे, तो वो दे रहे हैं, आप लोग कौन सी मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं? कल हमारे असल में सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है, हमारी सिंध गवर्नमेंट की सीएम साहब के साथ और हमारे मिनिस्टर के साथ एमकेएम की वफद की मुलाकात हुई, जिसमें गवर्नर साहब भी मौजूद थे, उसमें इनके मामला जो है, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट और
आपका एमक्यूएम के साथ जो भी मतलब जो सूबे के हक में और सूबे हमारे ज़राए कह रहे हैं चार मिनिस्ट्रियां सिंध में आपसे मांग रहे हैं। देखिए अभी एक बातचीत का अमल है, अब ये आपको इसके लिए बेहतर जब ये मीडिया पे आएगा तो सामने आ जाएगी बात की क्या चीज है क्या नहीं। इससे पहले भी आपके कोलिशन पार्टनर रहे हैं ना सर? बिल्कुल रहे, कोई हर्ज नहीं है ना, स्टेट है। हां बिल्कुल रहे, हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ रहे, 2008 में हमारे साथ रहे, अभी गवर्नर साहब जो एमक्यूएम से ही है, कमल तुशुरी साहब भी, और अब बातचीत का एक अमल शुरू हुआ, इंशाल्लाह जो भी होगा सामने आ जाएगा मीडिया पे। चलो अगर इनके हिसाब से भी देखें तो 7 महीने जुलाई 18 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। चले सर, आप आज 7 महीने बचे हैं, मगर हर किसी को नोचने खसूटने की अभी तक पड़ी हुई है। महंगाई आपके साथ रोटी खाओ, ये आपकी अरे भाई आप अपने लोगों को कारोबार के जरिए बना के देती है गवर्नमेंट। आपने लोगों को बेरोजगार किया, आपने 2020 तक ले गए, महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। आपने आईएमएफ से झूठे वादे क्यों किए? आपने आईएमएफ से बड़े बड़े दावे करके आप आ गए, उल्टे सीधे मुआहदे किए आप, हाजी लोग आ गए, अलहाज आ गए, तो अब आप लोग सही करें, लेकिन ये कहने दे, जब जब सही करने की फिर ये कोई ना कोई इनके ड्राइव बदले शुरू हो जाती है सर। करने को आप आवाम को रिलीफ दे, खान साहब बाहर ही नहीं थे, आवाम को रिलीफ दिया, किस चीज में रिलीफ दिया? मुझे गिनवाए गिनवाए परफॉर्मेंस गिनवाए चले गिनवाए देखिए आवाम को रिलीफ। अभी सैलाब का जो मामला हुआ, जब आपका वजीर आजम आए, सूबे के वजीर आजम आए, नहीं छोड़े, देखिए मेरे दिया, आपने दिया क्या आवाम? हमने हमने सिंध के अंदर खिदमत की लोगों की, कैसे यहाँ कराया हमने, क्यों नहीं? आगा सिराज दुरानी को क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, धक्के देके बाहर निकाला, फयाज भट्ट की गाड़ी को धक्के दिए, ये आवाम ये बात ना करे, ये आवाम आपके पास इतना गुस्से में फिर क्यों है जब आपने उनकी खिदमत की? आप मेरी बात देखिए, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर चीज बराबर नहीं होती, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें रह जाती है। क्या किया ना, बताया ना, क्या किया? हमने भैया हमने लोगों को अपने राशन दिया, लोगों को हमने जो है कितना राशन दिया मैं बताऊं, सिंध हुकूमत के आदाद और शुमार के मेहमान साहब हौसला रखे, सिंध हुकूमत ने आदाद और शुमार जारी किए थे, जाके उनकी वेबसाइट पे देखिएगा, 63,000 से 73,000 लोग बेघर होते हैं, उनको आप लोगों ने 6 लाख राशन दिया है। कराची के अंदर हमारे स्कूल्स के अंदर अपना ये कोरंगी के अंदर मलीर के अंदर स्कूल के अंदर जो हमारे आए हैं सैलाब के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको रखा हुआ है। कितने लाख ले रहे हैं सर? कितने लाख ले रहे हैं वहाँ पे? कितने लाख रह रहे हैं आप बताएं ना? आपसे बात ये भाई लाखों 30% लोग जो है वो आए, जिनको पूरे कराची शहर के जगहों पर है, लाखों लोग कहां आबाद है? वो टेंट सिटी कहां है सर? सैदाबाद में कितने घर है वहां पे? देखिए हर जगह बना हुआ है, ऐसा नहीं है हर सूबे हर जिले में बना हुआ है, हर जगह काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने पहली फुर्सत में हर मिनिस्टर्स को, पीपल्स पार्टी की तंजीम को, इवन के हम जैसे लोगों ने भी एक्टिव होकर काम किया। आम आदमी आपसे पूछ रहा है, आम आदमी आपसे पूछ रहा है, क्या आटा आपने हमें सस्ता दिया? क्या आपने चीनी सस्ती दी? क्या आपने पेट्रोल सस्ता दिया? अशिया कुर्दनोश आपने सस्ती दी? मैंने खुद अपने मेरी अपनी जाती, आप चाहे तो सोशल मीडिया मेरी वीडियो देख लीजिएगा, 650 रुपए वाली जो है आटे की जो गाड़ी थी वो मैंने खुद अपने इलाके में खड़ी कराई, इवन के पूरे कराची में सिंध में हर जगह आप अगर मेरे साथ चले तो वहाँ आटा है ही नहीं, कहाँ पे नहीं है सर, यूनिटी स्टोर पर चीनी नहीं है, पूरा ट्राला आप रशिया से मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है आटा नहीं है, सैलाब आ गया, फसलें जल गई, सही बिल्कुल जली, आपके सामने सारा नुकसान हुआ, अभी तक रशिया से जब तक आए आवाम भूखी नहीं, तो आटा हाथ हो रहा है ना, मिल रहा आटा सबको, देखिए कहीं 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 कोताही रह जाती है तो उसको हल कर लिया जाता है, जब जब मालूम पड़ता है तो उसको हल होता है ना। आ गया आपका पॉइंट, लास्ट में सलीम साहब, हुकूमत ने तमाम मौके पर अपना सुना दिया,
आप कह रहे हैं घर जाएं, बस आप लॉन्ग मार्च को छोड़ें, खान साहब भी जख्मी हो गए, आप लोग शहर शहर मार्च किए जा रहे हैं। सर मैं वही कह रहा हूं, गोली गोली। हाँ आप घर बैठे हैं, आप भी इंतजार करें सर, अभी एक साल का देखें, इनके काफी पकाम तो हो चुके हैं, नैब के कवानीन इन्होंने तब्दील करवा लिए, बाप को फांसी होनी सजा होनी थी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटे को जो है ना वो सजा होनी थी, उसके भी मुकदमा खत्म हो गया, वजीर पंजाब बनाने की कोशिश नाकाम गई, मरन नवाज जिसका पासपोर्ट नहीं बनना था उसकी पासपोर्ट बन गई, वो बाहर जाना था वो बाहर चले गई, और क्या क्या कामों की लिस्ट है वो एक साथ में निपटा ले और इलेक्शन कर रहे हैं और जाए, क्योंकि इनको पता है वोट्स तो उनको मिलने नहीं है, ठंडा वोट्स तो उनको मिलने नहीं है, पियो सबर करें, हम तो ठंडा साल इलेक्शन का है, इलेक्शन हो जाएंगे, आप सामने होगा आठ का आठ, इसीलिए भाग रहे हैं, इलेक्शन का इनको पता है, अल्लाह अच्छा करेगा, पता है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सबको पता है, तो नतीजे क्या आने, नतीजे अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह, पीपल्स पार्टी के लिए 2023 का इलेक्शन जो होगा ना इंशाल्लाह वो एक मतलब समझ ले तारीख इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में आएगी पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ठीक है चले जी, पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत में आएगी तो फिर करा लेना, अभी इलेक्शन क्यों डर रहे हैं, फिर इलेक्शन क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, इलेक्शन करा ले इलेक्शन, ये तो बदले के कानून है, आवाम को पीस के रख दिया, 30% महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है, मैंने अभी कहा था एक डॉलर का लाभ लेते हैं, रेट ऊंचा कर दिया, पीडीए की गवर्नमेंट चार चाहिए और कुछ नहीं है, और कुछ इन्होंने पहुंचा दिया, अपनी जिद मनाने के लिए इलेक्शन होंगे, सबसे पहले डाकू को वजीर आला आपने बनाया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में हुकूमत संभाली 2018 में और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के फुर्सुदा निजाम को तब्दील किया जाए, उन्होंने कोशिश की कि जो 70 साल से नाइंसाफियां हो रही थी उनका अजाला किया जाए, खान साहब ने कोशिश की कि आम आदमी को घर दिया जाए, हम भूल जाते हैं कि खान साहब ने कोशिश की कि तमाम बैंक्स जो कि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को लोन दिया करते थे वो आम आदमी को भी लोन दें, खान साहब ने नैब कवानीन को स्ट्रॉन्ग बनाया, जो बड़े आदमी वाइट कॉलर क्राइम करते हैं उससे इस मुल्क को बचाया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुंडी के जरिए अरबों रुपए एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, खान साहब ने यह भी कोशिश की कि इस पैसे को रोका जाए, आम आदमी तक कैसे उसकी रसाई की जाए यह भी कोशिश की, यह भी कोशिश की कि खान साहब ने कहा कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां देने में भी खान साहब बदकिस्मती के साथ नाकाम हो गए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने उनको सपोर्ट न किया, उसके साथ साथ उस 70 साल उस ज़ईफ इंसान ने पाकिस्तान में जद्दोजहद की जो कि आज भी कर रहे हैं, फिर उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, वो आज भी हाथ हिलाकर अपने जो उनके वर्कर्स हैं जो उनके बतवाले हैं उनको आज भी हौसला देते हुए नजर आ रहे हैं, खान साहब का एक ही मुतालबा है पाकिस्तान में तब्दीली चेंज, जो कि हुक्मरान है इस वक्त मौजूदा उन पर कई केसेस हैं, वो अपने केसेस को फेस करें, उनको सजाएं हों, इंसाफ का निज़ाम बोल बाला हो, ये सारी खान साहब की कोशिशें थी, अलबत्त खान साहब को काम ना करने दिया गया कि अब खान साहब को पाकिस्तान की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड में उनको हिस्सा मिलेगा, उनको स्पेस दिया जाएगा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, अलबत्त ये अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि हम अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं, ये खान साहब पाकिस्तान में पहले लीडर नहीं है कि जिनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, माजी में भी कई लीडरान के साथ यही सलूक हुआ है, उन्होंने जेलें देखी हैं, उन्होंने शहादतें देखी हैं, खान साहब की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उनको बताया गया है कि आपने ही कुछ तकरीर की थी उसी वजह से आप पर हमला हुआ है, 3 दिन तक उसकी एफआईआर न कटी, फिर जस्टिस अदलिया को आना पड़ा और अदलिया ने कहा कि ये क्या हो रहा है, एक कौमी लीडर की एफआईआर तक नहीं कट रही, ये अलमिया है मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी, इसी उम्मीद के साथ के साजिद हुसैन, मुल्क हमारा सलामत रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, अल्लाह हाफिज़।